से इतना बड़ा फैसला हीरा ग्रुप के हक में आया है, इसके बारे में आप हमारे मुल्क के कानून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आज का दिन वही तो है कि देश का कानून बनने वाला दिन, देश की आज़ादी का दिन। देश की आज़ादी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताया है कि जो लोगों पर जितना भी जुल्म हो या कुछ भी हो, कानून तक आते हैं तो फिर कानून से बड़ा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई ऑफिसर्स, ना कोई एजेंसीज, कोई भी नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। मुझे उम्मीद थी कि कानून में हमारी ज़रूर से ज़रूर जीत होगी और आज वही जीत का भी हमारा जश्न है। एक आज़ादी का जश्न भी है और हमारे जीत का भी हमारे लिए जश्न है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। मैं उस पर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सैल्यूट करती हूँ और जो ब्रदर अंबेडकर ने जो हमारी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसमें जो कानून बनाया और जो एविडेंस एक्ट लेकर आए, तो उसके अंदर जो है हर देश का नागरिक बहुत सेफ है। अगर वो परफेक्टली जाकर लड़ाई करेंगे तो जो भी इल्लीगल से जो लोगों को सताना चाहते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही बिल्कुल हार ही जाएंगे, और क्योंकि उनके जो प्रूफ नहीं होता है तो कोर्ट में कभी भी कोई बात नहीं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने भी बनाया और जो है सुप्रीम कोर्ट का, खास कर से कि जो हमको सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की कामयाबी है। देश के हर नागरिक को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कमजोर और मजबूर नहीं है। अगर आप जितने भी कमजोर हो, अगर कानून को आप अप्रोच करेंगे तो जरूर कानून आपकी मदद करेगा और आप जरूर वहां पर कामयाबी हासिल जरूर करेंगे, या आपको जरूर इंसाफ मिलेगी अगर आप इंसाफ पे हो तो। अगर इंसाफ पे नहीं है तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगी, अगर इंसाफ पे हो तो जरूर हमें इंसाफ जरूर मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। जो हमारी कम्युनिटी के बारे में, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे दिल में एक हमेशा से डर रहता है कि 125 करोड़ की आबादी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या फायदे मिलेंगे, हमारे लिए क्या होगा, तो इसमें आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जरूर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम को अलग इंसाफ नहीं है, हिंदू को अलग इंसाफ नहीं है, क्रिश्चियन को अलग इंसाफ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब के लिए एक है, काले के लिए, गोरे के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, किसके लिए भी एक ही सज़ा है गुनाह में, और किसी के लिए कम और ज़्यादती नहीं है। कानून सब के लिए एक ही होता है, और मैं इसलिए सबको ये कहती हूँ कि कोई भी वो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस कास्ट से ही, हम इस मज़हब से ही, हम इससे ही। मज़हब अपने अपने घरों में अपनी जगह पे है, जहाँ देश का कानून आता है तो हम सब एक हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम देश के नागरिक हैं बस। हीरा ग्रुप की बात आती है तो हम महिला यानी वुमेन इनको पीछे नहीं रख सकते हैं, और आप क्योंकि इस वक्त पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल में एक एम्पावर्ड वुमेन यानी औरतों के लिए एक मिसाल बन के उठी है, तो आप औरतों को क्या कुछ ऐसा कहिए कि वो अपने अंदर की झिझक को निकाल के अपने टैलेंट को बाहर लाए, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस तमाम औरतों को और महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी औरत अपने आप को ये ना समझे कि वो कुछ नहीं कर पाती। अगर वो चाहती है, अगर वो हक पर है, अगर वो सच के लिए फाइट करती है, तो वो दुनिया के हर कोने पर, हर मुकाम पर जीत हासिल कर सकती है। उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उस बच्चे को परवरिश कर सकती है, तो फिर वो देश को भी परवरिश कर सकती है और वो इंसाफ को भी हासिल कर सकती है। और औरत नहीं है तो समझ जाओ कि दुनिया ही नहीं है। और वो औरत जो है, जितने भी बाप बनकर अब दुनिया में दिख रहे हैं वो एक औरत के बेटे हैं, जितने भी भाई बनकर दिख रहे हैं वो भी एक औरत के बेटे हैं, और जितने भी शोहर बन के दिख रहे हैं वो भी एक औरत के बेटे हैं। अगर औरत नहीं है तो ना मर्द का जन्म है, ना दुनिया का जन्म है। औरत ही सबको जन्म दे सकती है, तो वो इंसाफ को भी जन्म दे सकती है, वो अपने राइट के लिए फाइट कर सकती है। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, औरत से भी ज्यादा स्ट्रांग कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो औरत को मैं कहती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो इंसाफ के लिए करेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा हम महिला एम्पावरमेंट के लिए काफी जो है मैं स्कीम्स लेके आने वाली
हूं कि महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिलाओं की ग्रोथ करने के लिए, महिलाओं की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, महिलाओं को लीगल फाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने काफी चीजों को देखा है कि लीगल उनको कैसे फंसाया जाता है, कैसी तकलीफ में। मैं अकेली नहीं बल्कि हजारों लाखों की औरतें बेगुनाह अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ इंसाफ के लिए, जस्टिस फॉर जेल वुमेन और जस्टिस फॉर जेल ह्यूमैनिटी, दो विंडोज को खोलकर जो है मैं उनके लिए इंसाफ लाना चाहती हूँ। और जरूर से हर महिला देश की जब वो हिम्मत से रहेगी, अगर वो लाख को एक बार पहचान लेगी पड़ेगी, मगर वो आड़े सीधे रास्तों में गए बगैर वो सीधा रास्ता कोर्ट को अप्रोच करेगी, तो जरूर से जरूर जो है उसे फायदा है। जैसा 12 साल से हम लड़ते आए थे, आज ये 2-3 साल की लड़ाई नहीं थी बल्कि 2012 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया, तो आखिर हक की जो है जीत ही हुई और बातिल की हार ही हुई। ये हमारे लिए खुशी है और ये हमारे लिए एग्जाम्पल भी है, सारे महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए भी जब मैं ये लड़ाई कर सकती हूँ तो फिर आप सब पीछे होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये रहता है कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलती है, मुसलमानों को ऐसा होता है, मुसलमानों को ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसाफ का दरवाजा आप पकड़ लो, जब आप कोर्ट को अप्रोच हो जाओ, तो सबके लिए वहां मैंने एक ही इंसाफ देखी है, किसी के लिए कोई अलग इंसाफ मैंने नहीं देखा है वहां पर। सैल्यूट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। बैक होम मैम, जब एंटरप्रेन्योर यानी जब आप डॉक्टर नोहेरा शेख की बात आएगी तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आएगी। जी, यानी कि एक कंपनी, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को नेशनल इंटरनेशनल में चलाना और चला के दिखाना 18 साल, लेकिन कानून से उठ के फिर बाहर आना। तो आप जो है एज एन एंटरप्रेन्योर दूसरे बिजनेसमैन वुमेन को, खासतौर से एंटरप्रेन्योर वुमेन को देश की तरक्की में क्या मतलब कहना चाहेंगी कि उनको कैसे करना चाहिए कि इंडिया जैसे मुल्क को हम इंटरनेशनल में चमकाएं, आगे ले जाएं? इंशाल्लाह जो है कि सबसे पहले मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे एंटरप्रेन्योर बनाया और वर्ल्ड में मुझे मशहूर किया। और उसके बाद मैं तमाम मेरे सपोर्टर्स का, मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज तक भी मेरे साथ और सपोर्ट में खड़े रहे। और आज क्या है कि मैं औरतों को यही कहती हूँ कि तुम जिंदगी में कभी भी ऊपर जाओ, तुम्हें खींचने वाले, तुम्हें दबाने वाले, तुम्हें गिराने वाले जरूर आएंगे, मगर तुम कभी भी अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अपने कानून पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ोगे तो जरूर से जरूर जो है तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और हीरा ग्रुप आज भी फख्र के साथ ये बात कह सकती है कि कभी भी कोई इल्लीगल वे में जाकर कोई काम नहीं की, तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं थी। हम दुनिया के हर सबके सामने चैलेंज कर सकते हैं। जब हम कोई इल्लीगल वे में जाते नहीं है, लीगल में काम करते हैं, तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम इंडियन वुमेन्स को और तमाम वर्ल्ड के वुमेन्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो जो काम करना चाहेंगे वो परफेक्टली करेंगे, कानून को और ऊपर वाले के कानून को दोनों को भी देखते हुए, तो वो कभी भी नहीं हारेंगे, जरूर कामयाब होती ही रहेगी। दो सवाल हीरा ग्रुप के लिए। जब हीरा ग्रुप एक वाहिद कंपनी ऐसी हमारी नजर में आ रही है जो इतने बड़े शॉक के बाद वापस आई है, कि उससे पहले हमको कोई दरवाजा, जो मेंबर्स थे उनको अल्लाह के सिवा कोई दरवाजा नहीं था, तो अब जब वापस आई है तो आप हमारे मेंबर्स को क्या कहेंगे? मैं मेरे मेंबर्स को तो हमेशा, उनको तो मैं हर वक्त दुआओं में, तहज्जुद में याद करती हूँ और उनके लिए मैं दुआएं करती हूँ। और मैं अल्लाह से अब ये दुआ कर रही हूँ कि जो भी मेंबर्स अपने अमानतों को ले भी रहे हैं या कंपनी से वो वापस भी जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए खास दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उसमें उनको बेहिसाब बरकतें अता फरमा। और दूसरी बात, मैं उनको जो मेंबर्स हमारे साथ में खड़े हैं, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि जो भरोसा करके ऐसी हालत में, जबकि समंदर में नाव जो है तीर रही है, ऐसी हालत में साथ में खड़ने को जो तैयार हो गए, अल्लाह तो उनको इतने बरकतें अता फरमा, इनको इतने बरकतें अता फरमा कि उनकी नस्लें 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 कभी भी जो है उनके नस्लों में कमी ना आए, बेबरकती ना हो, और ऐसी बरकतें उनको अता फरमा और ऐसे जराये जो है हमारे को ग्रुप में जो है तू पैदा कर दे। तो अल्लाह ने वैसे जराये पैदा भी कर दिया है, आइंदा के कुछ दिनों में इंशाल्लाह सारे लोग वो खुशखबरियां अल्लाह के फजल से जरूर से इंशाल्लाह देखेंगे। हम थोड़ा सा देख रहे थे आपकी वेबसाइट पे भी है और जगह पे देख रहे हैं गेट वन कॉइन, जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कॉइन, क्योंकि हीरा और गोल्ड, जी, हीरा ग्रुप और गोल्ड, जी, या नोहेरा शेख, डॉक्टर नोहेरा शेख और गोल्ड को अलग नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा गोल्ड के बारे में आप बताएं। और माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अभी डिजिटल दुनिया आ चुकी है, फिजिकल बिजनेसेस बहुत कम हो चुके हैं, लोग ट्रैवल करना, उधर से इधर आना, डिलीवरी लेके जाना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हीरा ग्रुप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्लेटफॉर्म हमारा ऑन हो जाएगा। तो HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड जो है,
पूरे वर्ल्ड में परचेसिंग करने का मौका सबको मिलेगा इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ऊंचे पैमाने पे गोल्ड के बिजनेस का ये टारगेट है और हम इस टारगेट को इंशाल्लाह रीच करके अल्लाह के फजल से जरूर रीच करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा लोग कहते हैं कि अभी मतलब जो भी बातें कभी कहते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, जब इतने मुश्किलों में से अल्लाह ने इसको नूर दे दिया, इसको रंग दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब इसका रुकने का सवाल कभी भी नहीं पैदा होता। इंशाल्लाह क़यामत के सुबह तक ये नहीं रुकेगी। मैं तमाम जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जी जी जज़ाकअल्लाह, आप लोग सब आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।